हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ के उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जोक की सवाना हयात, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं कवि परिचय। यानी कि हम जैसे हिंदी में पढ़ते हैं कवि का जीवन परिचय, वैसे ही जोक की सवाना हयात यानी जोक के जीवन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद दूसरा दर्जा जोक का है गोया। वह उर्दू के दो बड़े कसीदा निगारों में से एक है। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और जोक तखल्लुस था, यानी कि पीछे का नाम जो तखल्लुस रखते हैं वह जोक है और इब्राहिम नाम है इनका। एक गरीब सिपाही शेख मोहम्मद रमज़ान के बेटे थे। 1789 ईसा में दिल्ली में पैदा हुए, यानी कि इनकी पैदाइश 1789। और इब्तदाई तालीम के लिए वालिद ने हाफिज़ गुलाम रसूल के हवाले कर दिया। हाफिज़ साहब शायर भी थे और उनके यहाँ हर वक्त शेर व सखुन के महफिल गरम रहती थी, यानी कि वह शेर ज़्यादा कहते थे। हर बार वह कुछ ना कुछ बात पर शेर बोलने लगते थे। इस माहौल ने तबीयत पर असर किया, यानी कि यह माहौल जोक के ऊपर भी असर करने लगा किया और कम उम्र में ही शेर कहने लगे, यानी कि जोक भी कम उम्र में ही शेर कहने लगे। पहले अपना कलाम हाफिज़ साहब को दिखाते थे, फिर शाह नसीर से असलाह लेने लगे और इन्हीं का रंग सखुन इख्तियार किया। शाह नसीर को ये अंदेशा हुआ कि शागिर्द कहीं उस्ताद से बढ़ न जाए, यानी कि जो ये जोक है वह अपने उस्ताद से आगे न निकल जाए, इसलिए हौसला शकनी करने लगे, यानी कि वह जोक पर शक करने लगे। आखिरकार जोक ने उनसे एलहदगी अख्तियार कर ली। जोक ने शेर गोई में ऐसी ही मश्क बहम पहुँचाई कि जल्द ही उस्ताद फ़न का रुतबा हासिल कर लिया। जफ़र ने इनकी शागिर्दी इख्तियार की और 4 रुपये महीना तनख्वाह मुकर्रर कर दी। उस वक्त जफ़र तख्त शाही पर न बैठे थे, वही वली अहद थे। जोक की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल थी। नौजवानी ही में वो एक कसीदा लिखकर बादशाह की खिदमत पेश किया तो खाकानी हिंद का खताब अता हुआ। जफर जब बहादुर शाह के लकब से तख्त नसीन हो गए तो उस्ताद की भी इज्जत अफजाई की। यह सल्तनत के मुल्क अलसारा मुकर्रर हुए और तनख्वाह 4 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गई। जोक ने 1854 ईसा में वफात पाई। जोक नहायत खलीक और मनकसर अलमिजाज इंसान थे। तबीयत में बड़ी कनात थी। हैदराबाद के दीवान महाराजा चंद्रलाल सादा ने शोहरत सुन के हैदराबाद बुलाना चाहा, मगर उनका जवाब ये था, गरचा है मुल्क दक्कन में उन दिनों कदर सखन, कौन जाए जोक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। जोक के दीवान में गज़लों के अलावा ज़्यादातर कसीदे मिलते हैं जो बादशाहों की मदह में कहे गए। जोक के इल्म व फजल ने इनकी कसीदा निगारी को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। जोक को अरबी फारसी पर अबुर हासिल है और अलूम मरोज़ा पर भी नज़र है, इसलिए वह बाशानी गैर मामूली और बुलंद आहंगी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जोक की कसीदा निगारी, अब हम जोक की कसीदा निगारी को देखते हैं। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद दूसरा नाम जोक का है, यानी कि पहले नंबर पर नाम आता है उर्दू की कसीदा निगारी में सौदा का और दूसरे नंबर पर नाम आता है जोक का। गोया वह उर्दू के दो बड़े कसीदा निगारों में से एक है। गज़ल के बाद जिस सिन्नफ सखुन पर इनकी तवज्जो मरकूज रही वह कसीदा ही है। जोक ने बहुत से कसीदा कहे जिनमें से आधे के करीब
1857 ईसा की बगावत के दौरान जाला यानी कि शाइल हो गए यानी कि यहाँ पर गलत है, जाला या टिपके गलत लग रही, शाइल हो गए। इतने कसीदे कहने से मश्क का अच्छा मौका फराहम हुआ और ज़ौक को इस फन में महारत हासिल हो गई। इनके कलम से ऐसे कसीदे वजूद में आए जिनकी बदौलत उर्दू कसीदे की तारीख में सौदा के बाद जोक दूसरे मकाम के हकदार ठहरे। इनके कसीदा निगारी के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की राय है, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनके कसीदा निगारी के बारे में बताएंगे। नज्म उर्दू की नक्काशी में मर्जाए मौसूफ यानी सौदा ने कसीदे पर दस्तकारी का हक अदा कर दिया है। इनके बाद शेख मौसूफ के सिवा किसी ने इस पर कलम नहीं उठाया और इन्होंने मरक्का को ऐसी ऊंची यहाँ पर ये कुछ मिटर रहा है तो इसको हम हराब पर सजाया कि जहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता। अनूरी, जहूरी, अरफी व फारसी के आसान पर आफ्ताब व महताब बनकर चमकते हैं, लेकिन इनके कसीदों ने अपनी कड़क दमक से हिंद की ज़मीन को आसमान कर दिया। जोक ने अपनी कुदरत जबान और महारत फन से कसीदे की ज़मीन को आसमान कर दिखाया और मरक्का को ऐसी ऊंची महराब पर पहुंचाया जहां किसी का हाथ नहीं पहुंचता। यानी कि इनके बारे में बताया गया है इन्होंने कसीदे को कितनी मकबूलियत दिलाई है और उनकी सवाने हयात के बारे में इसमें हमने आज पढ़ा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।